वेलकम टू अच्छे दिन। लक्ष लालवानी टेलीविजन इंडस्ट्रीज के वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सेलिब्रिटीज में से एक हैं, जिन्हें बॉलीवुड फिल्म दोस्ताना 2 में एक्टिंग करते हुए देखा जाएगा। लक्ष ने सोनी टीवी के सीरियल पोरस से ऑडियंस को इम्प्रेस किया, जिनके पावरफुल रोल की वजह से सीरियल ने आउटस्टैंडिंग बिजनेस किया। इस वीडियो में हम आपको उनके लाइफस्टाइल और करियर से जुड़ी 10 ऐसी खासियत बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मगर उससे पहले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। नंबर 1, दिल्ली से बिलोंग करने वाले लक्ष लालवानी एक ट्रेंड मॉडल एवं एक्ट्रेस हैं। बचपन से इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने का ड्रीम रखने वाले फिटनेस और ट्रेवलिंग के शौकीन लक्ष की फैमिली के फिल्म व टेलीविजन इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं थे, मगर मॉडलिंग व एक्टिंग में रुचि होने की वजह से उन्हें पढ़ाई के साथ साथ पेरेंट्स द्वारा एक्टिंग में ट्रेंड किया गया, इसलिए स्कूलिंग से ही एक्टिंग लक्ष की हॉबी बन गई। नंबर 2, बचपन से ही हैंडसम 25 वर्षीय लक्ष का जन्म 19 अप्रैल 1996 को दिल्ली बेस्ड हिंदू फैमिली में हुआ, जिनके फादर रमेश लालवानी जबकि मदर सविता लालवानी व फैमिली में इकलौती सिस्टर पूर्वी के ब्रदर लक्ष टीनेज से ही अपने इंटरेस्ट के चलते फिटनेस, वर्कआउट एवं फोटोग्राफी जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे। नंबर 3, अपने होम टाउन दिल्ली से स्कूलिंग कम्प्लीट करने के बाद फाइन आर्ट एंड फोटोग्राफी से ग्रेजुएशन के दौरान अपने इंटरेस्ट के चलते लक्ष ने फ्रेंड के कहने पर रोडीज X1 शो के लिए ऑडिशन ट्राई किया, मगर लाइन में ऑलरेडी 5000 ऑडियंस होने की वजह से लक्ष प्रोडक्शन टीम के प्रोड्यूसर विकास गुप्ता से मिले, जिन्होंने नेक्स्ट डे लक्ष का ऑनलाइन ऑडिशंस लेकर टीवी सीरियल के लिए उन्हें सिलेक्ट किया, जो उनकी लाइफ का करियर मेकिंग बिग ब्रेक साबित हुआ। नंबर 4, लक्ष ने अपना टेलीविजन डेब्यू MTV इंडिया के शो वॉरियर हाई से किया, जिसके बाद वह अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर पॉपुलरिटी गेन कर लाइमलाइट में आए। मगर सीरियल अधूरी कहानी हमारी में युवराज माधव का रोल करने के बाद से ही सभी जानते हैं लक्ष की पॉपुलरिटी कहां से कहां पहुंच गई। लक्ष को सीरियल परदेश में मेरा दिल में आप सबने वीर मेहरा के कैरेक्टर में उन्हें एक्टिंग करते हुए देखा। इस सीरियल के बाद से लक्ष का करियर राइज पर है। नंबर 5, लक्ष को सोनी टीवी के सीरियल पोरस से हक पॉपुलरिटी मिली, जहां वह पोरस के कैरेक्टर में नजर आए। पोरस एक बहुत ही शानदार सीरियल था और लक्ष की रति पांडे के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया। सीरियल में रति पांडे के साथ उनकी एक्टिंग को देखने के बाद लगने लगा लक्ष एक अव्वल दर्जे के एक्टर हैं और बहुत से फैंस आज उन्हें पोरस के कैरेक्टर से जानते हैं। लक्ष सीरियल पोरस में पोरस के कैरेक्टर में कैसे लगे वो हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। नंबर 6, सोनी टीवी की हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज पोरस में लक्ष को उनकी लीड रोल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जब लॉयंस गोल्ड अवार्ड एवं एशियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनकी फैन फॉलोइंग ओवरनाइट मिलियंस में पहुंच गई। क्या आप भी उन्हें फॉलो करते हैं? हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। नंबर 7, लक्ष ने अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म दोस्ताना 2 से किया। फिल्म में उन्हें लीड रोल एक्टिंग करते हुए देखा जाएगा। दोस्ताना 2 एक बहुत ही शानदार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा बेस्ड फिल्म है। फिल्म में उनकी जाह्नवी कपूर के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी ऑडियंस द्वारा पसंद किया जाने की उम्मीद है। फिल्म में जाह्नवी के साथ उनकी एक्टिंग के बाद शायद लगे लक्ष एक फ्यूचर स्टार एक्ट्रेस हैं और बहुत से फैंस आज उन्हें फिल्म में लीड रोल एक्टिंग में देखने का इंतजार कर रहे हैं। लक्ष दोस्ताना 2 में कैसे लगे वो फिल्म रिलीज होने के बाद हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। नंबर 8, लक्ष ने 2017 में इंडस्ट्रीज में लोगों का टेम्परेचर बढ़ाया और रूमर्स आया कि लक्ष खूबसूरत एक्ट्रेस, मॉडल एवं डांसर रश्मि देसाई को डेट कर रहे हैं। मगर लक्ष और रश्मि देसाई ने रिलेशनशिप को पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया, इसलिए रिलेशनशिप भी ज्यादा दिन नहीं चल सके और रश्मि का कहना है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के फ्रेंड हैं, वे कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक बार फिर रूमर्स आना शुरू हुए कि लक्ष परदेश में है मेरा दिल की एक्ट्रेस अदिति गुप्ता को डेट कर रहे हैं। दोनों को हर जगह साथ साथ देखा जाने लगा है और दोनों हमेशा एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आते थे। लक्ष का कहना है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, मगर वास्तविकता तो लक्ष ही जाने उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। नंबर 9, जॉन इब्राहिम से इंस्पायर ऋतिक रोशन को अपना आइडल मानने वाले लक्ष का मानना है कि जॉन एंड ऋतिक दोनों कंप्लीट एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग, उनकी फिटनेस, उनके स्टंट, उनमें कई ऐसी क्वालिटी है जो उन्हें अन्य एक्टर से अलग बनाते हैं। लक्ष दोनों एक्टर्स को टीनेज से ही आइडियलाइज करते हैं, जब लक्ष आर्मी ऑफिसर बनने का ड्रीम रखते थे और उन्हें अपना फिटनेस रोल मॉडल मानते थे। लक्ष का कहना है कि जॉन एंड ऋतिक ने अपनी फिटनेस और टैलेंट के दम पर फिल्म इंडस्ट्रीज में वो सब कुछ अचीव किया है जो मेरे लिए एक रोल मॉडल है। नंबर 10, टीनेज से ही फिटनेस लवर एवं वर्कआउट के शौकीन लक्ष अपनी बॉडी का विशेष ख्याल रखते हैं। अपने आप को मेंटेन रखने के लिए वह डेली जिम में पसीना बहाते हैं, स्विमिंग, रनिंग व साइकिलिंग करते हैं, जिससे उन्हें एनर्जेटिक रहने में बेनिफिट मिलता है, जो उनका रूटीन लाइफ शेड्यूल है। तो फ्रेंड, दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अच्छे दिन चैनल को, हर उस इंटरटेनिंग स्टोरी के लिए जो आप देखना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो
की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।